सीआरसीएस पोर्टल पर डेथ क्लेम का ऑप्शन अभी तक आया फिर नहीं आया, डेथ क्लेम का आप कैसे ऑनलाइन करेंगे? आपने जो ऑनलाइन कर दिया है लेकिन आपका अभी एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं मिला है, उसका हम क्या करेंगे? आपके नाम में डिफरेंस है, उसका आप ऑनलाइन कैसे करेंगे? माइनर अकाउंट है या फिर ज्वाइंट अकाउंट है, उसका सीआरसीएस पोर्टल पर कैसे ऑनलाइन करना है? ये सारी समस्याओं को लेकर हमने फिर से एक बार सीआरसीएस के कस्टमर केयर से बात किया, जिसका मैं रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाऊंगा। आप रिकॉर्डिंग में पूरा सुन सकते हैं कि क्या हमको जवाब मिला है, कि इन सब खातों का आप क्या कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जब से ये सीआरसीएस पोर्टल बना हुआ है तब से भारत का हर एक नागरिक अभी तक परेशान ही है। परेशान इसलिए क्योंकि सीआरसीएस पोर्टल तो एक तो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, अगर काम भी कर रहा है तो 4-5 दिन पर एक बार काम कर रहा है। आप ऑनलाइन करने जाते हैं तो कभी आपका ओटीपी जनरेट नहीं होता है, ओटीपी जनरेट होता है तो फिर आपका घोषणा पत्र अपलोड नहीं होता है, घोषणा पत्र भी अपलोड हो जाता है तो आपका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होता है। ये बहुत सारा त्रुटि जो है वो अभी सीआरसीएस पोर्टल पर चल रहा है, यानी कहा जाए तो सरकार ने अभी तक हमको केवल बेवकूफ बनाने का ही काम किया है। जी हाँ, ये बेवकूफ बनाना ही तो हुआ कि आपने एक जल्दीबाजी में वेबसाइट लॉन्च कर दिया, लेकिन उस वेबसाइट का चलने का कोई ठोर ठिकाना है नहीं। अब कहाँ जाएं हम भारतीय गरीब जनता जो अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक जहां हम लोग को एक आशा का किरण दिखाई दिया था कि चलो अब सीआरसीएस पोर्टल से हम लोग का भुगतान होगा, लेकिन सीआरसीएस पोर्टल का वही हाल है, आवेदन हो नहीं रहे हैं कि हम लोग अपना ऑनलाइन करें। जब आवेदन होगा नहीं तो फिर गवर्नमेंट पैसे किसको देगी? चूंकि 45 दिन अब होने वाले हैं, कुछ लोगों के अकाउंट में पैसे जाने वाले हैं, अब देखने वाली बात यही होगी कि कितने लोगों के अकाउंट में पैसे जाते हैं। बहरहाल आइए आपको हम सुनाते हैं कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग में क्या क्या कहा गया है आपको हम सुनाते हैं। उसके पहले मैं आपको एक एक पॉइंट का अभी आपको मैं बता दूं कि क्या जवाब मिला है। जब मैंने पूछा सीआरसीएस के कस्टमर केयर अधिकारी से कि डेथ क्लेम का क्या होगा, तो वहां से यही जवाब मिला कि अभी डेथ क्लेम का कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ही सीआरसीएस पोर्टल पर डेथ क्लेम के लिए एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आप ऑनलाइन कर पाएंगे। जब हमने सीआरसीएस पोर्टल से पूछा कि जो भी हमारा माइनर अकाउंट है या फिर ज्वाइंट अकाउंट है उसका ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो अब हमको जवाब यही मिला कि अभी उसका कोई भी अपडेट नहीं है, अभी ज्वाइंट अकाउंट और माइनर अकाउंट का ऑनलाइन करने का अभी कोई अपडेट नहीं है। तीसरा, हमने जब ये पूछा कि जब हमारा घोषणा पत्र अपलोड कर किए हम तो हमको एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं मिला है, उसका हम कैसे करें, तो यही जवाब मिला हमको कस्टमर केयर से कि उसके लिए आप जब अपना लॉगिन करते हैं आधार कार्ड से तो वहां पर आपको एक ग्रेवियंस का ऑप्शन दिखाई देता है, आप ग्रेवियंस में यह डाल सकते हैं कि आपका अभी तक एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं मिला है, तो हो सकता है कि आपके मेल पर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाए। फिर हमने पूछा उनसे कि जिसका नाम मिसमैच है उनका कैसे करना है, तो यही जवाब मिला कि नाम मिसमैच में अगर आपका टाइटल में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका सहारा बॉन्ड में मनोज कुमार है और आपके आधार कार्ड में मनोज कुमार शुक्ला है, तो आप बेधड़क ऑनलाइन कर सकते हैं, उससे कोई आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका पेमेंट होगा। अगर किसी के नाम में के लेटर में डिफरेंस है, जैसे कि रविंदर का RAVINDRA उनका नाम आधार कार्ड में ऐसे है और उनका सहारा में RAVINDER है, रविंदर है, तो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मोड़ा नाम में जो डिफरेंस है वो चल सकता है, आप आवेदन कर सकते हैं, आपका वेरीफाई हो जाएगा, आपका पेमेंट भी आ जाएगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका जवाब सीआरसीएस पोर्टल से सही से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सीआरसीएस पोर्टल पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो भी सहारा के ही हैं, तो पता नहीं उनको क्या जानकारी देकर बैठाया गया है कि कोई भी जब हम उनसे प्रश्न पूछते हैं तो सीधे तौर पर कह दिया जाता है कि अभी कोई अपडेट नहीं है। तो अपडेट हम किससे मांगने जाएं? क्या हम सीधे अमित शाह से अपडेट मांगने जाएं या फिर सीधे हम नरेंद्र मोदी से अपडेट मांगने जाएं? क्योंकि यहाँ पर सीआरसीएस पोर्टल के नाम पर बस एक हमको छलावा दिया गया है, तो लीजिए झुंझुना बजाते रहिए, ना आपका आवेदन हो पाएगा सही से और ना ही भुगतान हो पाएगा सही से, तो झेल तो हम लोग सभी रहे हैं। आइए आपको हम सुनाते हैं अब कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग में क्या बात हुई कस्टमर केयर से हमारे, और मैं आपको लास्ट में ये भी दिखाऊंगा कि आप कैसे ग्रेवियंस डाल सकते हैं अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर लेने के लिए। तो बने रहिए वीडियो में, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। Your call is now first in line and will be answered by the next available representative. Thank you for your patience. Hello. Hello. Yes.
जी सर, प्रणाम सर। जी सर, प्रणाम। बताए जी सर, पूछना ये था कि सर ऑनलाइन करते समय मेरा कुछ बॉन्ड सर छूट गया है, तो फिर कोर्ट पे जाना होगा सर? नहीं, नहीं हो पाएगा, एक बार हो गया उसी को साइड सुधरेगा नहीं सर, फिर हमारा तो सबमिट नहीं होगा किस बॉन्ड का। तो छूट गया है बॉन्ड, फिर उसका पेमेंट नहीं होगा सर? नहीं नहीं, छूट गया तो दोबारा नहीं होगा, दूसरी जगह जब पोर्टल नया आएगा तब फिर होगा। फिर मतलब इसके लिए पोर्टल नया आएगा ना? हाँ, जब पोर्टल कभी भविष्य में दोबारा आएगा तो। अच्छा सर, फाइनल सबमिट करते समय सर मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं मिला है सर। अच्छा, हो गया है कि नहीं हुआ है? जी फाइनल सबमिट हो गया है, लेकिन हमको एक्नॉलेजमेंट नंबर ना मैसेज आया मोबाइल पे और ना ही स्क्रीन पे कुछ दिखाई दिया। स्क्रीन पे नहीं दिखाई दिया? नहीं, और फिर लॉगिन कर रहे हैं तो फिर वही सीधा एकदम ब्लैंक आ जा रहा है, जो भी घोषणा पत्र है कुछ अपलोड का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। अच्छा सर, क्या करें इसके लिए? उसमें सर कंप्लेन किए हुए हमको सर 10 दिन हो गए, कोई रिप्लाई भी नहीं आया सर अभी तक। नहीं, ठीक है, आपने डिटेल बताइए, मैं आपको डिटेल में सर क्या क्या चाहिए? नाम बताइए पहले तो। नाम मेरा अशोक कुमार हुआ। अशोक कुमार बताइए, वो ब्रांच का कोड बताइए। 10-54। सर गेट क्लेम का सर कुछ नहीं हो रहा है? गेट क्लेम का मैं गेट क्लेम का अभी ऑप्शन नहीं है। कब तक आएगा सर? और सर एक बार पहले हम और आपके पास कॉल किए थे माइनर और ज्वाइंट अकाउंट के लिए, तो आपने कहा था कि 2 दिन बाद कॉल कीजिएगा, हमको कॉल किए हुए लगभग 15-20 दिन हो गया सर, तो कुछ अपडेट है क्या माइनर और ज्वाइंट अकाउंट के लिए? अभी तो उसका कोई अपडेट नहीं। माइनर और ज्वाइंट अकाउंट का भी कोई अपडेट नहीं है? और सर जिसका नेम डिफर है वो सर ऑनलाइन करें कि नहीं करें? जिनका नेम में लेटर में सर डिफरेंट है या टाइटल में डिफरेंट है वो सब ऑनलाइन लोग करें या नहीं करें सर? अगर थोड़ा बहुत है तो कर सकते हैं, ज्यादा है तो नहीं करना है। ज्यादा थोड़ा बहुत मतलब सर डिफाइन कीजिएगा क्या? मतलब कि जैसे कि अगर उनका सिर्फ सरनेम चेंज हुआ है जी तो कर सकते हैं जी, और अगर उसके अलावा जो है कोई वो है नहीं कर सकते। जैसे सर रविंदर में किसी में आर ए बी आई एन डी आर ए है तो किसी में डी ई आर है, तो सर वो कर सकते हैं? हाँ, वो कर सकते हैं जी जी। और सर मान लीजिए सर किसी का बॉन्ड भी नहीं है सर, खो गया है, तो वो सर कैसे अप्लाई करेंगे? वो FIR दर्ज करें और नया बॉन्ड ब्रांच से लेकर करें। नया ब्रांच से बॉन्ड लेकर करना पड़ेगा? बॉन्ड उसमें डालना है ना सर? जी बॉन्ड उसको डालना है ना पड़ेगा ना। और क्या है सर, जिनके पास सर बॉन्ड का अगर जी जिनके पास अगर सर बॉन्ड का जीरोक्स कॉपी है तो उसको स्कैन करके डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अच्छा, उसका क्लेम का कोई भरोसा नहीं, हो भी सकता है नहीं भी सकता है। सर कितने लोगों को पैसा मिल गया अभी तक सर? अभी 45 दिन हो कहाँ है? हाँ तो बीच में अमित शाह जी बोले थे 120 लोगों गया है, तो उसके बाद अभी नहीं गया है? नहीं, 45 दिन से पहले किसी का नहीं जाएगा, 45 दिन हो जाएगा तो सबको जाना शुरू करेगा।
ठीक है सर, एंड या परिवार में। एक्नॉलेजमेंट नंबर के लिए सबसे पहले आपको सहारा रिफंड पोर्टल पे आ जाना है, फिर वहाँ पे आपको जमाकर्ता लॉगिन पे क्लिक करके अपना आधार का लास्ट का 4 नंबर और अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालकर OTP प्राप्त कर लेना है। OTP डालने के बाद OTP सत्यापित करें पर क्लिक करना है। OTP सत्यापित करने के बाद आपके सामने एक ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा जहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर दाहिने साइड में आपको एक शिकायत लिखा दिखाई देगा। जी हाँ, लॉग आउट के बगल में आपको शिकायत का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली शिकायत पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शिकायत पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगा जहाँ पर आपको सबसे ऊपर अपना नाम, फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और संदेश लिखना है। सबसे ऊपर आपको अपना नाम लिखना है, जिस नाम से आपने ऑनलाइन आवेदन किया था आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं मिला है, वह नाम आपको सबसे ऊपर लिख देना है। फिर आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है नीचे वाले सेक्शन में। ईमेल आईडी लिखने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है नीचे, मोबाइल नंबर वही आप डालिए जो अपने आधार कार्ड से आपका लिंक हो। फिर आपको नीचे आपका संदेश लिख देना है, संदेश में आपको बस यही लिखना है कि आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको नहीं मिला है। चूँकि संदेश में बहुत कम कैरेक्टर लिखने का स्पेस दिया गया है इसलिए आप ज़्यादा डिटेल में न लिखें, बस शॉर्टकट में लिख दें, जैसे कि मैं लिखकर आपको दिखा रहा हूँ। मैंने लिखा है कि सर मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं मिला है, फॉर्म सबमिट। इतना लिखकर आपको नीचे जमा करें पर क्लिक कर देना है। चूँकि आप इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं इसलिए सिंपली आपको बस इतना ही लिख देना है और नीचे जमा करें पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जमा करें पर क्लिक कीजिएगा आपको नीचे एक संदेश दिखाई देगा जहां पर लिखा रहेगा संदेश सफलतापूर्वक लॉग किया। फिर आप ऑटोमेटिक डिपॉजिटर लॉगिन पर आ जाइएगा। अब आपको अपना ईमेल आईडी खोलकर देखते रहना है, हो सकता है कि आपके ईमेल आईडी पर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर भेज दिया जाए।